आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। CAA, NRC और NPR को लेकर लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे पप्पू यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जी हां, पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। वो फिलहाल कटिहार में है और कटिहार में रेलवे गेस्ट हाउस में जब वो ठहरे हुए थे तो इस दौरान उनका जो है वह ब्लड टेस्ट लिया गया है, ब्लड सैंपल लिया गया है ताकि उसका जांच किया जा सके। अब तस्वीर में देखिए पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद जो है वो अपना चेकअप करवा रहे हैं, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं पप्पू यादव बीते कई महीनों से, वह NRC हो चाहे CAA हो और NPR हो, ये तमाम चीजों को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विभिन्न सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में उनकी तबीयत जो है अब बिगड़ने लगी है और तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी यह तस्वीर सामने आई। आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिहार रेलवे गेस्ट हाउस में वो थे जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपना चेकअप करवाया है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़ने से उनके समर्थक है वो काफी चिंता में है, क्योंकि लगातार जो है वो मोर्चा संभाल चुके हैं NRC के खिलाफ। चाहे बिहार के विभिन्न हिस्सों की बात करें, वो बिहार के बाहर भी कई सभाओं को संबोधित करने पहुंचे हैं और फिलहाल वह कटिहार में है, कटिहार पहुंचे और कटिहार के साथ साथ वो सुपौल में भी थे, सुपौल के बाद कटिहार पहुंचे, तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं पप्पू यादव। इस दौरान कटिहार में उन्होंने प्रेस वार्ता भी की है, मीडिया से बातचीत भी की है, डॉक्टरों से जांच कराने के बाद आप सुनिए वो मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहते हैं। अम्बेडकर, वाल्मीकि, कबीर, पेरियार, सावित्री, भगत, सुभाष, युद्ध को मानने वालों के खिलाफ ये हमला है। हमें अंतिम लड़ाई लड़नी होगी ताकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हमला जो RSS के एजेंडे के द्वारा पीछे से वार किया गया है, इसका मुंहतोड़ जवाब 2020 में हम देंगे। 2022 में जो इसका एजेंडा है वन इलेक्ट्रॉल और संविधान को खत्म करने का, उसके पहले महाक्रांति का आगाज इस भारत में होगा। 8 के चुनाव के बाद बिहार में आर पार की लड़ाई बिहार से शुरू करेंगे। या तो नफरत समाप्त होगा या तो युद्ध होगा, या गांधी, अंबेडकर, सुभाष की आइडियोलॉजी बचेगी या घोरसे के लोग समाप्त होंगे। या तो मेरा संविधान सर्वोच्च होगा या तो RSS का इतिहास मिटेगा। इस लड़ाई पर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को चुनौती, पप्पू यादव गांधी मैदान में, नीतीश कुमार आपसे फरियाना बात करना चाहता है। आपने कहा कि दिल्ली को बिहार बनाएंगे, तो दिल्ली को बलात्कारियों का बिहार और गोलियों का बिहार, माफियाओं का बिहार। अरे नीतीश कुमार, पहले नौकरी के लिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं, रोको ना, औकात क्यों नहीं है? इतना बड़ा गिरा हुआ इंसान, जय हो नीतीश, क्या करते हो नीतीश? अमित शाह के मंच पर जा करके और जिस तरीके का थेथरलॉजी, इतना बड़ा बेशर्म बात क्या है? 28वें नंबर पर बिहार, एजुकेशन हेल्थ दुनिया के सबसे निचले पोदान पर, सत्रह से 18% बच्चे 12 पार नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं। आदिवासियों का आंकड़ा 6%, दलितों का 8, मुसलमानों का 9 और OBC का 10% मात्र हाई स्कूल क्रॉस नहीं कर पाता है। 90% दिन प्रतिदिन कैश की जरूरत किसानों को नहीं मिल पाती है। सतत लक्ष्यों के साथ इंडेक्स में बिहार 50 अंक के साथ सबसे नीचे है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार सतत विकास में मामले में सबसे पीछे है, सबसे पीछे। यह हमारी भारत सरकार का सतत विकास है। दावे की बात करती है सुशासन की नीतीश कुमार। दरअसल भारत के सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने सुशासन के मामले में एक सूची जारी की है, जिसमें बिहार पूरे देश के 15वें स्थान पे है। हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज,
2018 4041 शहरों में बिहार को एक भी शहर नेशनल रैंकिंग में 100 में शामिल नहीं हुआ। अभी राज्य में जिला स्तर पर 25 मॉडल कॉलेज खोलने की बात आज तक नहीं। 5,500 ग्राम पंचायतों में अब भी माध्यमिक स्कूल नहीं। 8,400 अधिक ग्राम पंचायत है जिसमें 5,500 में एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं, यानी 65% से भी ज्यादा पंचायतों में एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं, एक भी। आश्चर्य है। यही नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे खुद, ना ये जॉर्ज के हुए, ना ये कर्पूरी ठाकुर के हुए, ना लालू के हुए, ये अरविंद, ये अरुण जेटली के हुए। किसके हैं ये? जब ये गांधी की बात करने वाला घोर से और इतने नफरत में चला गया ये बिहार, जिसको 5,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, जमाना जब्त होगा, नोटा से कम वोट मिला इनको, नीतीश कुमार सीने में खंजर भों, एक दुश्मन है जोगी अमित शाह तो दिखता है, भीतर का बड़ा दुश्मन वो नहीं दिखता है। बिहार माफ नहीं करेगा नीतीश कुमार। दुनिया का सबसे निचले प्रधान पर बिहार, और वो जाकर के इतनी बड़ी थेटरलॉजी कि अब बिहार बनाएंगे। सही में नीतीश कुमार आपने कहा कि आप गोडसे का दिल्ली बनाओगे, आप अपराधी माफिया दरानों का दिल्ली बनाओगे, और मैं चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार, औकात है तो विकास के मामले पे गांधी मैदान में बहस हो जाए और वोटिंग हो जाए दिल्ली विकास के नाम पर जनता का, हिम्मत है तो चैलेंज को स्वीकार करिए। अरविंद केजरीवाल के पैर की धूली नहीं है, वो बात करता है दिल्ली की। दिल्ली शीला दीक्षित से विकास शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल की गति शुरू है। दिल्ली विनाश के हाथ में कतई सरकार नहीं बनेगी। मैं आज दावे के साथ कहता हूं वहां सेकुलर संविधान के रक्षक की सरकार होगी। तो आपने सुना वो लगातार एनआरसी सीएए के विरोध में वो बोल रहे हैं और सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो उनके जो समर्थक है वो निराश हैं। हालांकि उनके स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना कर रहे हैं। बहरहाल दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हेडलाइंस बिहार के साथ बने रहे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।